गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या अल्फा विद्या संकुल। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सबसे बेसिक चीज़ अगर हम लोग बोलें कि कंप्यूटर कैसे चल रहा है, ये कमरे में लाइट कैसे चल रही है, तो तुरंत दिमाग में आता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से चल रही है, उसकी क्या कंडीशन है, उसमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि करंट का मेन बेसिक कॉज क्या है, तो एक तो हमको मालूम है कि सबसे पहले हमको कि क्लोज सर्किट होना चाहिए, दूसरा कुछ लोड होगा हमारे उस सर्किट में, रेजिस्टेंस होगा। तो चलता क्या है, किसकी वजह से वो करंट हमें फ्लो होती हुई मिल रही है, या हमारा सर्किट या बल्ब जो कुछ भी है वो जलता है, दिखता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसका रूट कॉज क्या है, किसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है। तो कंडक्टर, अब यहाँ पे हमारे पास जो अभी लिखा हुआ दिख रहा है वो है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर जैसे हम लोग बस का एग्जांपल लेते हैं, बस में एक ड्राइवर कंडक्टर बोला जाता है। बस में कंडक्टर का क्या रोल है, पैसेंजर तो अपना आया, टिकट लिया, चला गया, उतर गया किसी नेटिव पे अपना। कंडक्टर का क्या रोल है, वो सिर्फ मूव कर रहा है, ट्रांसफ़र, एक जगह से चला उसी जगह वापस आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लोज पाथ, अब यहाँ पे वही हमारा कंडक्टर यूज़ हुआ है वर्ड, ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग। यहाँ हमने चार्ज नहीं बोला, हीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोला, सिर्फ बोला कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे क्लोज सर्किट अगर हमारा है, उस क्लोज सर्किट में क्या हो रहा है, कोई सर्किट अगर हम मान लेते हैं, बना लेते हैं, उसमें बोले कि क्या ट्रांसफ़र हो रहा, तो देखते हैं क्या ट्रांसफ़र हो रहा। अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा सर्किट हमने बनाया, यहाँ हमने बना दिया एक बल्ब, और एक हमने ले लिया सोर्स बैटरी। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक हमारा करंट फ्लो करेगा, या हम दूसरे टर्म में बोलें तो निगेटिव वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जो इस पूरे सर्किट में होगा, ठीक है। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारा किसका फ्लो चला, इलेक्ट्रॉन का, ठीक। अब इसी तरीके से किसी का फ्लो हो रहा, कोई ट्रांसफर हो रहा, अभी देखा था हमने सर्किट में माइनस टू प्लस फ्लो हो रहा था, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टर बोला गया है, जो दो टर्म आते हैं हमारे पास, एक कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर क्या है, ट्रांसफर ऑफ समथिंग, कुछ भी ट्रांसफर हो रहा हो। अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं कि कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है। मटेरियल्स दैट ट्रांसफर समथिंग थ्रू देमसेल्व्स, ये हमारा कंडक्टर। अब कंडक्ट होगा, अब यहां पे हमारे पास कंडक्टर का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, मटेरियल दैट ट्रांसफर समथिंग थ्रू देमसेल्व। दो तरीके के लिखे हुए, एक लिखा गया हमारा यहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट का कैसे ट्रांसफर है, उसमें क्या ट्रांसफर हो रहा, जैसा वहां पे ट्रांसफर हो रहा है वैसा ही हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ट्रांसफर होगा। हीट का क्या मीनिंग है, जैसे अगर मान लेते हैं ये कोई हमारा आयरन रॉड है, इसको हम हीटर के ऊपर रख दें, और हीटर क्या करे, हीटर के ऊपर हमने रख दिया, और हीटर से क्या मिलेगा इसको, कुछ इसमें एनर्जी आएगी, और वही एनर्जी इस रॉड के कॉर्नर पर भी होगी, और वही यहाँ पर भी फ्लो करी, जो ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ तक का, उसी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। तो सेम काम यहाँ पर कहाँ से ट्रांसफर हुआ, हीटर से हमको क्या मिला, वहाँ पे सोर्स मिला। यहाँ हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी सेम बिहेव करेंगी। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे हीटर में हमने देखा हीटर से कुछ ट्रांसफर हो रहा था, हमने उसको हीट एनर्जी का नाम दे दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमको कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो ट्रांसफ़र कराती है, और हमने बोला ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ जो मीडियम में, उसी मीडियम में चल रही है, उसको हमने क्या नाम दिया है, कंडक्टर। तो उसको हमने नाम दिया कंडक्टर। अब यहाँ पे हम जो टर्म यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का मीनिंग क्या है हमारा, मटेरियल्स दैट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है। अब कुछ हमारे पास जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो दो टाइप के बोले गए। अब यहाँ पे हम लोग दो टर्म जो यूज़ करते हैं बेसिक से, हम लोग जानते हैं कि जितनी भी हमारे यूनिवर्स में, नेचर में चीज़ें हैं, वो सब किससे मिलके बनी हुई है, मैटर से। मैटर किससे मिलके बना हुआ है, एटम। एटम किससे मिलके बना हुआ है,
चार्जेस, पॉजिटिव न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्जेस। अब यहाँ पे कौन मूव करेगा, मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सब में है, प्लास्टिक में भी है, वुड में भी है, मेटल में भी है, इलेक्ट्रॉन सब में, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन सब में नहीं है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी में हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो उस प्रॉपर्टी को जो हम जिसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टी है, उसको हमने एक नया क्लासिफिकेशन किया मेटल्स का, और उसको हमने नाम दिया कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या है, मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है, मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। अब यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा कंडक्टर आया और दूसरा आया हुआ है इंसुलेटर। अब जैसे अगर हम एक सर्किट ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, एक हमारा ये क्लोज सर्किट है, अभी अगला वाला भी क्लोज ही रहेगा लेकिन उसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। करंट प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसकी का जो करंट की वजह से कॉज है कि करंट का यहाँ पे अगर फ्लो हुआ है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बल्ब जल रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये बैटरी सोर्स और यहाँ हमारे पास दो वायर जुड़े हुए हैं, क्लोज पाथ करना ही होता है। अब ये जो क्लोज पाथ है हमारा, जो सर्किट जुड़ा हुआ है, ये अगर हमारा कॉपर वायर का है, किसका, कॉपर वायर, और यहाँ हमारे पास जैसे ही इस कॉपर वायर से कनेक्ट किया गया, ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस सर्किट कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ हमारा उसका डायग्राम बना हुआ है। यहाँ से क्या हो गया, जैसे ही इसको जोड़ा गया, निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते दिखते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव हमारा किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। और हम लोग जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट में इलेक्ट्रिक करंट हमारा कैसे चलता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो पॉजिटिव टू निगेटिव हमने दूसरी डायरेक्शन में मान लिया, ये जो हमारा है ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, ये रेड वाला हमारा करंट का डायरेक्शन है। ये जो हमारा इस डायरेक्शन से ऐसे, ये हमारा करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ करंट कैसे चल रही है, मूवमेंट ऑफ करंट हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव। अब ये हमारा चार्ज चल रहा था और चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा करंट चल रहा है, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। अब इसी सर्किट को अगर हमने एक बार चेक कर लिया कि करंट हमारा कब फ्लो हो रहा था, जब हमने कुछ इस टाइप का प्रॉपर अरेंजमेंट किया, क्या जोड़ा, एक कंडक्टर जोड़ा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, जो सबसे पहले हमने वर्ड यूज किया था फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी मूवमेंट थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या मिल रही थी, करंट मिल रही थी। सेम चीज अब हमने क्या किया, ये जो दो हमारे कंडक्टर जुड़े हुए थे, कंडक्टर हम इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है इससे हमारा चार्ज क्या हो रहा था, फ्लो कर रहा था। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इस सर्किट में फ्लो ऑफ चार्जेस कैसा हुआ, करंट का फ्लो कैसा हुआ, ऐसा पॉजिटिव, पॉजिटिव से करंट फ्लो किया और निगेटिव में गया, ये वाइट एरो से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, इस ये जो कंडक्टर जुड़ा हुआ था, ये कॉपर वायर जुड़ा हुआ था, इस वायर की जगह पे हमने दूसरा मटेरियल यूज़ किया। दूसरा मटेरियल जैसे हम कपड़े सिलने वाला थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके देखा क्या होता है, हमने उस थ्रेड को यूज़ कर लिया, थ्रेड को यूज़ किया गया तो देखा गया कि ये हमारा जो बल्ब पिछले केस में ग्लो कर रहा था अब ग्लो नहीं कर रहा, अब ग्लो नहीं कर रहा तो इसका रीज़न क्या है, बैटरी तो अभी भी है, ये जो थ्रेड है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे नेचर में सबके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता तो ये मोशन करता, ठीक है, इसके पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, जितनी नेचर में चीजें सबके पास है, सब बनाई एटम से और एटम बनता ही इलेक्ट्रॉन से, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब अगर यही काम जो थ्रेड ने किया
यही जो भी और भी बहुत सारी है, इस थ्रेड की जगह पे हम कागज लगा देते, कुछ भी लगा देते, तो कभी कैसा होगा, इस बल्ब का ग्लो होगा, जलेगा, और कभी ये बल्ब नहीं जलेगा। तो जब जिस इस थ्रेड की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, यहाँ थ्रेड वाली जब चीजें हम चेंज कर रहे हैं, एक बार ये ग्लो कर रहा है, तब हम इस सब्सटेंस को, मटेरियल को बोलेंगे कंडक्टर, और एक बार जब नहीं कर रहा होगा तब हम उसका नाम बोलेंगे इंसुलेटर। जो यहाँ पे इस समय जो थ्रेड यूज किया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ये एग्जांपल किसका है, इंसुलेटर का, ठीक है। इंसुलेटर की वजह से क्या नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू देम, या किसकी वजह से नहीं फ्लो करेगा, थ्रेड की वजह से नहीं फ्लो करेगा, उसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, इंसुलेटर। दूसरा, अब कैसे पता चलेगा किसकी वजह से फ्लो करेगा या किसकी वजह से नहीं करेगा, तो हम लोग कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं आगे चल करके, ठीक है। अब जैसे अगर हमने कंडक्टर लिया, सेम वही सर्किट, अब कॉपर वायर की जगह पे हमने सिल्वर लगा दिया, गोल्ड लगा दिया, एल्यूमिनियम लगा दिया, तो यहाँ पे अगर हमको बल्ब जलता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, आयरन, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जो किसके एग्जाम्पल हैं, कंडक्टर के। कंडक्टर की हेल्प से हमारा क्या होगा, सर्किट तो क्लोज था पिछले केस में भी जब हम थ्रेड यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ एल्यूमिनियम यूज़ किया, एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया, उसमें भी देखा यहाँ पे सर्किट वैसे ही कंप्लीट है, बल्ब वैसे ही जल रहा है, तो यहाँ ये भी किसका एग्जाम्पल है, कंडक्टर का। अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे टेस्ट फॉर कंडक्टिविटी। अब दो ही चीजें हैं हमारे पास, एक कंडक्टर है, दूसरा इंसुलेटर, दो ही क्लासिफिकेशन है। एक तो हमको किसको क्लासिफाइड करना है, किसी से जो ट्रांसफर हो रही है चीजें, यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम किसको ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, कि वो एक डायरेक्शन से जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से करंट का फ्लो हो जाएगा। यहां अब हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि किसमें कंडक्टिविटी है, किसमें नहीं है। जैसे अगर हम इसी कंडक्टर को, ये अभी हमने एल्यूमिनियम लिया था, कॉपर लिया था, इसी को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। कट कर दिया हमने, पहले केस में तो ये काम कर रहा था, कट करने के बाद अब इतने पोर्शन में, अब इतने पोर्शन में ये ज्वाइंट भी नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, कुछ तो होगा, सबसे बेसिक हम कुछ नहीं दिख रहा है, तो कम से कम बोल सकते हैं कि एयर पार्टिकल होंगे। अब एयर यहाँ पे क्या कर रही है, एयर का यहाँ पे क्या रोल है, अब यहाँ पे एयर हमारा कैसा काम कर रहा है, अगर यहाँ सर्किट अभी भी जैसा भी दिख रहा है, हम मान लेते हैं कि यहाँ 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 एयर है, क्लोज है, अभी भी एयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ ये बल्ब हमारा नहीं ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये एयर हमारा बिहेव किसी की किसकी तरह कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। जैसे अभी हमने देखा था कि थ्रेड यूज़ किया था तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, ठीक, तो यहाँ पे एयर जो है हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, इंसुलेटर की तरह, और इंसुलेटर क्लासिफाइड हो गया कि ये कंडक्टर नहीं है, कंडक्टिविटी का टेस्ट है यही हमारा। अब दूसरा, अगर हम इसी जगह पे एयर का एग्जांपल समझ में आ गया कि ये कैसा है हमारा, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, इसी जगह पे अगर हम ये दोनों पार्ट को या दोनों पोर्शन को आयरन रॉड से अटैच कर दें, आयरन नेल से या किसी रॉड से इसको हिट कर दें, अटैच कर दें, ये फिर से क्या हो गया, ग्लो कर गया। इसका मतलब क्या था, एयर के पार्टिकल हट गए, अब यहाँ पे हमारा क्या है, आयरन मटेरियल है, और इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, फ्री इलेक्ट्रॉन की आ गई, और फिर से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, और ये हमारा बल्ब ग्लो कर गया। बल्ब ग्लो कर गया मतलब ये कंडक्टर मटेरियल आ गया, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी हमारी क्या है, हमको शॉक लगता है, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमको क्या लगता है, शॉक लगता है, किसकी वजह से लग रहा, तो अगर शॉक लगा तो इसका मतलब यहाँ से कुछ फ्लो किया, अगर हम हमारे पास यहाँ इस सर्किट से कुछ चीज़ें फ्लो कर रही हैं, यहाँ से अगर कुछ फ्लो कर रहा है तभी तो हमको शॉक लग सकता है, और अगर ये नहीं फ्लो कर रही होती तो हमको शॉक नहीं लगता। जैसे अभी अगर हम नंगे पैर हैं तो हमको क्या लग रहा है, शॉक लग रहा है, दिखता है नेचर में ये प्रॉपर्टी। अभी अगर इसी जगह पे हमने शूज या स्लीपर कुछ भी पहना हुआ है, अब ये कैसा मीडियम आ गया, बीच में मीडियम आ गया हमारा अर्थ और पैर के बीच में, अब क्या आ गया, इंसुलेटर। क्यों, इंसुलेटर जैसे ही लगा हमारे पैरों में, टच हुआ, वैसे ही ये फ्लो क्या हो गया, खत्म हो गया, काम करना उसने रोक दिया अपने आप को। जैसे कभी देखा होगा लाइट वाइट कट जाती है पोल ओल पे, जो लोग करेक्ट करने जाते हैं, करेक्ट सही करने जाते हैं, वो चप्पल उप्पल पहन के जाते हैं, कि कभी हमारा जो ये चार्जेस का क्या होगा, फ्लो होगा, करंट हमसे पास हो जाएगी, क्या हम कौन सी बॉडी है, कंडक्टर,
ठीक है, तो हमको उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंसुलेटर का। ठीक, आज की डेट में ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा कम यूज़ हो रही है, जैसे बहुत सारी जो डिवाइसेज आ रही हैं वो सेमी कंडक्टर बेस्ड है। सेमी कंडक्टर का थोड़ा सा यूज़ क्या है, ये हमारे 12th का टॉपिक है, ये हम लोग जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ से पास हो रही है कुछ से नहीं पास हो रही। सेमी कंडक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, सेमी मतलब कभी पास होगा और कभी पास नहीं होगा। उसका क्या मीनिंग आ गया, कभी पास होगा कभी पास नहीं होगा, कैसे पास होगा? तो हम लोगों ने ये चीज़ यूज़ करी, जैसे जो हमारे कंप्यूटर थे ये पहले बने कहाँ पर, ये अमेरिका बने, उनका अलग टाइम जोन, हमारा अलग, वहाँ का टेम्परेचर डिवाइस के लिए अलग, हमारी डिवाइस के लिए वही टेम्परेचर रखा जाए तो काम नहीं कर रहा। जैसे रूम टेम्परेचर बोल रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर अलग हमारा टेम्परेचर अलग, वही डिवाइस हमारे रूम टेम्परेचर पर काम ही नहीं कर रही। हमने उसी डिवाइस को कम किया तो देखा वहाँ वाला टेम्परेचर आ गया। पहले जो कंप्यूटर आते थे बोला जाता था कि इसको एसी कंप्यूटर कमरे में रखो, क्यों रखो, क्योंकि वो डिवाइस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे काम कर रही, क्योंकि वो बनी कहाँ हुई थी, अमेरिका। यहाँ वाले टेम्परेचर अब क्या है, वही हम जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कुछ डिवाइस पे हमने इसी चीज़ को यूज़ किया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर दे तो ये काम ना करे, सर्किट हमारा काम ना करे। और वही सर्किट हमारा टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो वहाँ कुछ बॉन्ड वॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन फिर मिल गए वो काम करना शुरू कर देंगे। जैसे सोलर पैनल देखा होगा, सोलर पैनल का क्या काम है, जब सन दिख रहे हैं दोपहर में पूरे टाइम, तब हम उस सोलर पैनल से लाइट नहीं जलाते, सिर्फ उसको चार्ज करते हैं। मतलब वो काम कब कर रहा है, जब वो चार्ज हो रहा है। अब ये चार्ज होने के बाद ये कब लाइट देगा, उसी को हमने नाइट में यूज़ किया। नाइट में यूज़ कैसे कर लिया, अब सन तो नहीं है कि हमारी रोड पे ट्रैफिक पे लाइट आए, रोड लाइट आए, अब हमने वही जो सोलर पैनल लगाया हुआ था उससे अपनी रोड लाइट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब तो हमारे पास हमने ऐसे सर्किट डिजाइन किए, उसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिन में वही डिवाइस काम नहीं कर रही थी, उससे जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं होता कि दिन में कोई जाकर के उसको हटाएगा, जुड़ा हुआ है, दिन में वही बल्ब नहीं काम कर रहा था, लेकिन रात में वही टेम्परेचर कम होने की वजह से उस डिवाइस ने वर्क करना शुरू कर दिया। तो वही सेमी कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं आजकल की डिवाइसेज में, कि इनका यूज़ क्या है कि हम जब चाहेंगे अपने हिसाब से, मतलब हम ये नहीं चाहते कि कोई डिवाइस हमको कंट्रोल करे, हम चाहते हैं कि हम डिवाइस को कंट्रोल करें, तो वो कैसे हो सकता है? तो वो हमने तरीका ढूंढ लिया कि टेम्परेचर हम कम कर देंगे, ऑफ हो जाएगा सर्किट हमारा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, बॉन्ड टूटेंगे, वो मूव करने लगेंगे, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट हमको प्रोड्यूस हो जाएगी, मिलने लगेगी। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बेसिक दो तीन टर्म थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था। अगले टॉपिक में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।